Hello friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. और यार मेरी सीरीज का 11वां क्वेश्चन है और आज हम थर्मल पावर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट अगस्त 2016 में पूछा गया था। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नेट अगस्त 2016 में आया था वो इस प्रकार है। अ सर्टेन टाइप ऑफ कोल इज बर्न्ड एट अ रेट ऑफ 0.5 केजी पर सेकेंड। इफ द सल्फर कंटेंट ऑफ द कोल इज 5% एंड द 5% ऑफ सल्फर रिमेनिंग ऐश, हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म पर डे। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि 777.6 kg per day, 4104, 1800 kg per day, 3660 per day। देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों कि हम इससे सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करें। तो जैसे हमें क्वेश्चन में निकालना है कि हमें कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा पर डे में जिस जब हम रेट ऑफ कोल बर्न्ड हमारा है 0.5 केजी पर सेकंड। तो सबसे पहले इसे निकालना, इसे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना होगा अमाउंट ऑफ कोल दैट इज टू बी बर्न्ड इन दैट डे। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा रेट है पर सेकंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन डे से। तो वन डे को हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। तो ये हमारा जो है वन डे केजी पर डे, सॉरी यहाँ पे केजी पर डे आया क्योंकि हमने सेकेंड को डे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो भी यूनिट होगा यहाँ पे दोस्तों केजी पर डे में हमारी यूनिट चलेगी क्योंकि हमने उसे कन्वर्ट कर दिया डे से, सेकेंड को कन्वर्ट किया डे में। तो जैसे हमें पता है सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें फॉर्म करता है। तो वन मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस द वन मोल ऑफ SO2 ऑन बर्निंग विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो इसे हम गिन ग्राम में 32 ग्राम ऑफ सल्फर जब हमारी बर्न होगी तो हमारा 64 ग्राम ऑफ SO2 प्रोड्यूस होगा। तो मोल मास तो आपको पता ही होगा 32 है सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो एज गिवन इन क्वेश्चन कोल कंटेन्स 5% ऑफ सल्फर एंड 5% ऑफ सल्फर रिमेनिंग ऐश। जो हम कोल बर्न कर रहे हैं उसमें 5% सल्फर है और जो सल्फर कोल बर्निंग का प्रोड्यूस हो रही है 5% हमारी ऐश में चल जा रही है, बाकी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाएगा। तो अब इसमें हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ सल्फर इन कोल, हमारे कोल में कितनी सल्फर है। तो हमारा कोला क्वांटिटी जो बर्न हो रहा है 43200 kg per day है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर कंटेंट से कितना 5% हमारा जो है, तो हमारा 2160 kg आ गया वैल्यू। इसके बाद हम निकालेंगे कि कितना सल्फर अवेलेबल है फॉर रिएक्शन जिससे जो है ना हमारा SO2 बनेगा। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि 5% ऑफ सल्फर रिमेन इन ऐश, तो यानी कि 5% हमारी रिमूव होगी तो हमारा कितना अवेलेबल होगा 100 - 5% दैट अमाउंट ऑफ सल्फर इन ऐश दैट इज 100 - 5 = 95%। तो इतना परसेंट हमारा सल्फर अवेलेबल है फॉर रिएक्शन और फॉर कन्वर्जन इनटू SO2। तो हम अब निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ सल्फर फॉर अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो हमारा कितना है 0.95 इंटू अमाउंट ऑफ सल्फर जो हमने मिली है कोल में, जो हमें मिली है कोल में, तो वो हो गया हमारा 2052 kg per day। ये दोस्तों डे होगा, ठीक है, जितना भी है केजी पर डे में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे हमने ये हमारा होगा रेट ऑफ कोल बर्न, इसे हम ये यहाँ पे हम क्या करेंगे वन डे में कन्वर्ट करेंगे सेकंड को, सेकंड को हम डे में कन्वर्ट कर देंगे ताकि पर डे के हिसाब से आ जाए। तो फ्रॉम केमिकल रिएक्शन जैसे हम देख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड। तो हमारा इतना केजी यानी कि जो हमारा सल्फर अवेलेबल है उतना केजी ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस कितना, तो इसे हम यूनिटरी मेथड हम कर देंगे 64 हमारा ऊपर है, इसे 32 हम डिनोमीटर में लेकर जाएंगे एंड 2052। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4104142 हमारा है ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।